इंडिया के पहले क्रिएटिव कॉन्सेप्ट डिजाइनर अभिषेक वशिष्ठ ने नया कॉन्सेप्ट द फेरी टेल्स को रैंप पर उतारा। दिल्ली के रेडिसन ब्लू में एशियन इंटरनेशनल फैशन वीक का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को निखिल भटनागर व सुनील भाटी द्वारा आयोजित किया गया और लिजा वर्मा ने कोरियोग्राफ किया। आज मैं बात करूंगा द फेरी टेल्स की। इट्स बीन लॉन्ग एंड लॉन्ग, आई हैव बीन मेकिंग लॉट्स ऑफ एफर्ट्स एंड एक्सेसिव डिवोशन टुवर्ड्स दिस कि ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हो, क्योंकि इस तरह के कॉन्सेप्ट एक्चुअली नॉन कमर्शियल होते हैं। जो कपड़े इसमें बनते हैं, जो चीज़ें यूज होती हैं, वो बिकते तो हैं नहीं, तो ऐसी चीज़ों में कोई हाथ नहीं डालता। ज़्यादातर लोग कमर्शियल चीज़ों में हाथ डालते हैं कि भाई उन्होंने कोई चीज़ बनाई, कोई ड्रेस बनाई, तो वो बेच कर उसको अपना अर्निंग कर सकें। लेकिन मैं कई बार ऐसा सोचता हूँ कि आउट ऑफ द बॉक्स होना ठीक है, हमेशा प्रॉफिट ही क्यों कमाना, कभी खुशियाँ भी कमा लेनी चाहिए। द फेरी टेल्स इसी का एक परिणाम था। अंकुर चौधरी मेरे साथ हैं, ब्रांड एम्बेसडर थे और रहते हैं जनरली मेरे कॉन्सेप्ट्स के, और लकी चाम है मेरे कॉन्सेप्ट हिट होते हैं। इनके अलावा कुछ नन्हे मेहमान आप देख सकते हो, बच्चों के लिए कॉन्सेप्ट था तो प्रकर्ष यहाँ पे है, खुशहाल जी ने, अंसारी जी ने बना के दिया, तस्लीम अंसारी जी ने डिज़ाइन करके दिया। तो बहुत अच्छा लगता है जब नॉन कमर्शियल चीज़ों में लोग बाग इंटरेस्ट दिखाते हैं, क्योंकि मेरे जैसे और भी लोग हैं जो खुशियों और दुआएँ ज़्यादा कमाना चाहते हैं, और मैं चाहता हूँ कि जितनी हमारे जैसे और अर्चना जैसे लोगों की आलोचना होती है, हम उतनी ही प्रशंसा पाते हैं। शुक्रिया। इस अवसर पर अभिषेक वशिष्ठ ने मॉडलों और मेकअप आर्टिस्ट को अपनी कला के हुनर को दर्शने के लिए प्लेटफॉर्म पर उतारा। इस अवसर पर सभी मॉडलों ने डिजाइनर ड्रेसेस पहनाकर रैंप वॉक की। द फेरी टेल्स में अभिषेक वशिष्ठ ने रैंप वॉक करके उपस्थित सभी लोगों का दिल जीत लिया। इस अवसर पर अभिषेक वशिष्ठ ने सभी मॉडलों और मेकअप आर्टिस्ट को अवार्ड से सम्मानित भी किया। तो सना मेकओवर्स है, तो मेरे साथ मेरी पूरी टीम आई हुई है और आज हमने द फेरी टेल्स किया है एशियन इंटरनेशनल फैशन वीक, तो सारा मेकअप मेरी टीम ने किया है, आप एक बार इनसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। आज मैंने रपुंजल और जिनी का मेकओवर किया है और डिजनीस का भी मेकअप किया है और मुझे बहुत मजा आया। आई एम विद सना मेकओवर्स, आई एंजॉयड अ लॉट। यहाँ का फैशन वीक बहुत बढ़िया लगा और यहाँ का जो स्टाफ था बहुत ही कोऑर्डिनेटिव था, बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच। नहीं, जो प्रिंसेस थी हमारी, उन सबके मैंने हेयर स्टाइल करे हैं।